वहीं बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू कुनबे पर बड़ा चुनावी प्रहार किया है। लालू के रेल मंत्री रहते हुए सनातन विरोधी साजिश का खुलासा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के ही तर्ज पर तेजस्वी यादव पर कैसे चुनावी चोट की है और तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया है वो आपको सुनाते हैं। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर। बिहार के दरभंगा की रैली में पीएम मोदी ने एक ओर राम मंदिर की हुंकार भरी तो दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर गोधरा में कार सेवकों को जलाने वालों को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री रहते लालू ने जो कमेटी बनाई थी उसने फर्जी रिपोर्ट बनाकर कार सेवकों को ही दोषी ठहरा दिया था। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए, लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया। पीएम मोदी ने लालू कुनबे को भ्रष्टाचार पर भी घेरा और कहा तेजस्वी पूरे बिहार को अपनी जागीर समझते हैं। तेजस्वी ने इस पर पलटवार किया, कहा उनकी बातों में सच कम झूठ ज्यादा है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो पीरजादे हैं, पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है कुछ भी बोल सकते हैं, वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज्यादा है।